हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज पर डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लेकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस यहाँ पर हम 10.5 इंच रखेंगे और यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, हमने बॉक्स बना लिया है और अब हम गले का शेप देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले का शेप दे दिया और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसे देखिए, हम काट लेंगे। इस निशान को भी काट कर अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस निशान को रखते हुए हम काट लेंगे। आगे से हमने इस पर सेम निशान लगाया, पीछे से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए, हमारा पैटर्न कट के इस तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, हम कुछ तिरछी पट्टियाँ पहले ले लेंगे और इसे आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने आपस में जोड़ लिया है और इसके एक साइड हम सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे साइड से देखिए, हम अपने ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने मोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर हमने कुछ चौकोर कपड़ा लिए हैं, इसे मोड़ते हुए त्रिभुज बना लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से पैटर्न को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो कागज का पैटर्न हमने काटा है, पहले उसे हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तिरछी पट्टियाँ ले लिए हैं और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसकी पाइपिंग बना देंगे। इस तरह से देखिए, मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक लेस ले लिया है और पाइपिंग के साइड साइड में हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, और अब हम अपने ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्लाउज के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम नीचे भी पाइपिंग, नीचे प्लेट बना लेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए, नीचे सिलाई लगा लेते हैं पहले और फिर इसे पट्टी को मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने पाइपिंग बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम ऊपर से गले के ऊपर लेस लगाएंगे। इस तरह से देखिए, हम लेस लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम नीचे से कागज को हटा लेते हैं पहले। और अब हम कुछ मोती ले लिए हैं और त्रिभुज के कोने कोने पर हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा।